सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अवतार। हेलो एवरीवन, हमारी जर्नी शुरू हो गई है और हम अब जा रहे हैं खारघर के गुरुद्वारे और वहां से हम जाएंगे सीएसटी। बहुत ही अच्छा एरिया है बेसिकली खारघर रहने के लिए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो पहले कहीं और रहते थे, अब वो खारघर शिफ्ट हो गए हैं। भले ही वो कई लोगों ने तो घर ले लिया है और कई लोग रेंट पर रह रहे हैं। जो आप लोग मेरी लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, ये गोल्फ का ग्राउंड है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। और खारघर में ये सबसे बेस्ट चीज़ है देखने वाली। और शाम को लोग सैर करने या वॉकिंग करने के लिए भी यहाँ आते हैं। और फाइनली हम गुरुद्वारे बस पहुँचने ही वाले हैं विद इन 2-3 मिनट्स। हर का नाम कदे ना चूरी है, जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है, जप जप हर का नाम कदे ना चूरी है। नानक दर्स प्यास, नानक दर्स प्यास, नानक दर्स। सो गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसका नाम पहले वीटी था, विक्टोरिया टर्मिनस, जो अंग्रेजों की महारानी थी विक्टोरिया, उसके नाम पर नाम रखा गया था। और उसके बाद सरकार ने इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया। ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं, यह ईस्टर्न फ्रीवे है जो कुछ साल पहले ही बना है। यहाँ से वीटी जाना बहुत ही आसान हो गया है। आई थिंक मिनिमम आपको 20 मिनट्स लगेंगे फ्रॉम चेंबूर टू वीटी। और फाइनली हम सीएसटी वीटी या जो भी कहिए, हम पहुँच गए हैं। और ये है सीएसटी का रेलवे स्टेशन। फाइनली ये है वो गेट जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ से अंग्रेज हमारे देश में दाखिल हुए थे और इतने साल राज किया।
देख रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पर। आज सैटरडे है तो काफी सारे लोग घूमने आए हैं, फोटो वगैरह खींचने आए हैं। हमने डिसाइड किया कि चलो हम भी ज़रा फेरी राइड करके आएँ और थोड़ा समुद्र में घूम कर आएँ। और ये देखिए बारात आई हुई है, आई थिंक यहाँ पर ताज होटल में ही कुछ शादी या पार्टी वगैरह हो रही है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यहाँ शादी और पार्टी हो रही है तो कितना कॉस्टली होगा। सारी आइकनिक बिल्डिंग्स हैं और पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अब तक खड़ी है। कहाँ रहते हो आप? हाँ जी, मझगांव डॉक मझगांव में रहते हैं। कब से चला रहे हो आप टैक्सी? तो बहुत समय से चला रहे होंगे लगता है। बिल्कुल, ये है तो वीटी का तो नक्शा। अरे वो टाइम और ये टाइम में बहुत फर्क है। ये अभी कचरा हो गया ना, कचरा नहीं था, ये कचरा हो गया। अभी तो इतना ट्रैफिक हो गया वगैरह वगैरह ये सब। ये देखिए कितनी मस्त सीनरी है, हमारी गाड़ी खड़ी है और जो व्यू है ऐसा लगता है कोई 90s की मूवी का सीन है। और ये है ब्रांडेड शोरूम्स और बहुत सारी दुकानें। और ये देखिए ये भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई कोई आइकनिक बिल्डिंग है, इसका रख रखाव इतना अच्छी तरह नहीं किया गया, तो व्हाट टू से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले दिनों में मैं ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।